हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश.com। भारत में दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं और चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की मदद करना होता है। मतदान चुनाव चिन्हों की मदद से राजनीतिक पार्टियों को याद रखते हैं और उन्हें वोट देते हैं। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने लिए चुनाव चिन्ह का चयन करती है तो इसके संबंध में अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का ही होता है। इस वीडियो में हम भारत की 7 राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव चिन्ह मिलने के इतिहास के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई थी। तब तक इसका चुनाव चिन्ह दीपक था। साल 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ को जनता पार्टी बनाने के लिए कई अन्य पार्टियों के साथ मिला दिया गया और तब इसका चुनाव चिन्ह हलधर किसान का हो गया था। इसके बाद भाजपा का उदय हुआ। भाजपा के संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह के तौर पर इसलिए चुना क्योंकि इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि राजनीतिक विचारधारा को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में वर्णित करता है। साल 1957 में हुए सैनिक विरोध में चपाती और कमल के बीज का उपयोग गांव-गांव, घर-घर तक क्रांति की सूचना और संदेश भेजने के प्रतीक के रूप में किया जाता था। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था, जिसने आम लोगों, मुख्य रूप से किसानों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया था। 1969 में पार्टी विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने इस चिन्ह को जब्त कर लिया था। कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा, जबकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई कांग्रेस को गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह मिला था। 1977 में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गाय बछड़े के चिन्ह को जब्त कर लिया था। इसी दौरान संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से हार गई थी, जिसके कारण परेशान होकर वो शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती से आशीर्वाद लेने गई थीं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया था, जिससे इंदिरा गांधी के मन में हाथ के पंजे का चुनाव चिन्ह बनाने का विचार आया और तब उन्होंने हाथ के पंजे को ही चुनाव चिन्ह बना लिया। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। घड़ी पार्टी का चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखीय घड़ी है, जिसमें नीचे 2 पाए और ऊपर अलार्म का बटन है। ये घड़ी 10:10 का समय दिखाती है। राष्ट्रवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी इसलिए है क्योंकि ये दर्शाता है कि कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, NCP अपने सिद्धांतों के लिए दृढ़ता के साथ संघर्ष करती है। अब हम आपको बताएंगे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के बारे में, जिसका चुनाव चिन्ह है जोरा घास। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की इस पार्टी का नारा है माँ, माटी और मनुष्य। इसका चुनाव चिन्ह फूल और घास है, जो कि माटी से जुड़ा हुआ है और ये मातृत्व या हमारे राष्ट्रवादी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चुनाव चिन्ह में किए जाने वाले साधारण फूल इंगित करते हैं कि AITMC समाज के उन वर्गों का समर्थन करती है जो आमतौर पर निम्न वर्ग के हैं और शोषित हैं। अब बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, इसका चुनाव चिन्ह है बाली यानी हसिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है और 1952 से ही बाली हसिया इसका चुनाव चिन्ह है। इस चुनाव चिन्ह को अपनाने के पीछे का कारण ये था कि ये पार्टी भूमि सुधार को बढ़ावा देती थी और किसानों की स्थिति में परिवर्तन लाना चाहती थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी CPI की राजनीतिक विचारधारा का एक बड़ा हिस्सा शामिल रहा है। अब बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में, इसका चुनाव चिन्ह है हाथी। हाथी बसपा ने अपना चुनाव चिन्ह इसलिए रखा है क्योंकि हाथी शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। ये एक विशाल पशु है और आमतौर पर शांत रहता है, जैसा कि बहुजन समाज का अर्थ है वो समाज जिसमें दलित वर्गों की संख्या ज्यादा है। ऊपरी जातियों और उनके उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष को हाथी के माध्यम से दर्शाया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, जिसका चुनाव चिन्ह है हसिया हथौड़ा। हसिया हथौड़ा वामपंथियों ने ये चुनाव चिन्ह इसलिए चुना क्योंकि ये दर्शाता है कि CPIM किसानों एवं मजदूरों की पार्टी है, जो खेतों में काम करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। ये पार्टी पूरे भारत में पूंजीवादी और वैश्वीकरण की नीतियों और योजनाओं का विरोध करती है। चुनाव के इस दौर में ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक जागरण जोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।